दोस्तों हमारे चैनल घरेलू नुस्खे को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों सरसों का तेल हर भारतीय महिला की रसोई का हिस्सा है, लेकिन इसका इस्तेमाल खाने तक ही सीमित नहीं है बल्कि पूरे शरीर की सेहत के लिए बढ़िया है। मालिश के लिए भी यह बेहद प्रचलित है। इसमें अनेक पोषक तत्व जैसे विटामिन, गुड़, कोलेस्ट्रॉल, गुड़, फैट और मिनरल्स मौजूद हैं, लेकिन इसकी एक सबसे अच्छी बात यह है कि यह DI पद्धति पर काम करता है, मतलब कि इसका न सिर्फ सेवन करके शरीर के अंदर से फ़ायदा लिया जा सकता है बल्कि DI यानी कि सीधे तौर पर त्वचा पर लगाकर भी यह मानव शरीर के लिए लाभदायक है। इसलिए इसका इस्तेमाल मालिश के लिए सालों से किया जा रहा है दोस्तों। लेकिन मानव शरीर की संरचना के अनुसार अलग अलग अंगों पर मालिश करने के फायदे भी अलग हैं, लेकिन पाँव के तलवों में पूरे शरीर के तार जुड़े होते हैं। एक्यूप्रेशर पद्धति में भी पाँव के तलवों को महत्व दिया जाता है, इसलिए पाँव के तलवों पर सरसों के तेल से मालिश करने से बेमिसाल फायदे होते हैं। दोस्तों आइए जानते हैं तलवों पर सरसों के तेल से मालिश करने का सही तरीका क्या है। दोस्तों इसके लिए आप एक बड़े बर्तन में गुनगुना पानी लें, इसके बाद इसमें अपनी पसंद की किसी भी तेल की 5 से 6 बूंदें डालें। इसके बाद 10 मिनट तक अपने पैरों को पानी में ही रखें और उसके बाद अपने पैरों को सूती कपड़े से आराम आराम से दबा कर साफ करें। दोस्तों अब एक कुर्सी पर आराम से बैठ जाएं। अब अपने सीधे पैर के तलवों को उल्टे पैर के घुटने पर टिका दें। अब इसके बाद आप सरसों के तेल को हल्का गर्म कर लें और इसके बाद अपने पैर की मालिश शुरू करें। पैर की मालिश करते समय पैरों की ऊपर से नीचे और पैरों की उंगलियों की भी मालिश अच्छी तरह से करें। एक पैर की मालिश के लिए 10 से 15 मिनट बहुत हैं। दोस्तों आइए जानते हैं पैरों पर सरसों के तेल की मालिश करने के फ़ायदों के बारे में। आँखों की रोशनी बढ़ाए। पैरों पर सरसों के तेल की मालिश करने से आँखों की रोशनी तेज होती है। यदि आपको नींद अच्छी नहीं आती है तो पैरों पर सरसों के तेल की मालिश करने से वो भी अच्छी आने लगती है और इसके साथ ही आपका शरीर स्वस्थ और मजबूत होता है। इसलिए पैरों पर सरसों के तेल की मालिश जरूर करें। खून का सर्कुलेशन ठीक करें। सारा दिन टाइट जूते पहने रहने से और तरह तरह के फुटवियर पहने रहने से पैरों के तलों तक खून का दौर सही नहीं हो पाता। इस अवरुद्ध हुए खून के दौर को ठीक करने के लिए यदि पैरों में सरसों के तेल की मालिश की जाए तो बहुत ही फायदा मिलता है। दोस्तों सोने से 10 से 15 मिनट पहले यदि आप सरसों के तेल की मालिश करें तो खून का दौर ठीक होता है। यह मालिश उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी है जो लोग मधुमेह से परेशान हैं और इसके कारण पैरों के तलों में सुन्नपन की समस्या रहती है, उनके लिए यह मालिश बहुत ही अच्छी है। वजन कम करें। शरीर में मोटापे की वजह से जमा हो रही चर्बी यह कई बीमारियों को बुलावा देती है। यदि आप सोने से पहले 5 मिनट पैरों की मालिश करेंगे तो आपकी चर्बी पिघलने लगेगी और आपका वजन कम होने लगेगा। अच्छी नींद के लिए यदि आप अच्छी नींद लेना चाहते हैं और दिन भर की थकान को दूर करना चाहते हैं तो अपने पैरों की शाम को या रात को सोने से पहले मालिश करें। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़कर लेटें, इससे आपको बहुत ही अच्छी नींद आएगी और आपकी थकावट भी दूर हो जाएगी। पैरों में दर्द से राहत दिलाए। अच्छी तरह से की गई मालिश आपके पैरों को बहुत ही आराम पहुंचाती है। यदि आपके पैरों में सूजन आ रही है तो मालिश करने से वो भी उतर जाती है और पैरों के दर्द में आराम मिलता है। रक्तचाप कम करता है। जैसा कि आप सब में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो दिन भर जूते पहन कर रखते हैं जिसके कारण पैर के अंतिम भाग तक खून का दौर सही से नहीं हो पाता, जिसके कारण दिन ज़्यादा पंपिंग करके इस समस्या को दूर करने की कोशिश करता है।
जिससे शरीर के बाकी हिस्से का रक्तचाप बढ़ने लगता है। यदि रात के समय पैरों के तलों की मालिश की जाए तो शरीर के लिए बहुत ही अच्छा है। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।